अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल से। आज लाइट नहीं है तो मैं नहीं जानती कि लाइट कब तक आएगी और कब तक पोस्ट होगी, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि जब भी लाइट आए तब मैं पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड 54। देखते धारण किस नंबर 54 तहरीर अरीशा। वो मदहोशी से उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस्त में लीजिए, न जाने कौन से जहान में था। जावेद ने उसके कंधे पे हाथ रख कर उसे खुद से दूर किया तो वो दूर होने के बजाय मजीद करीब हो गया। फासला समझ चुका था, वो पूरी तरह उसके हिसाब में कैद थी। जब इसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, वो जैसे होश की दुनिया में आई थी। उसे पीछे करते हुए वो खुद भी शॉक में थी। अपने लबों पे हाथ रखे वो हैरत से अपनी इस हरकत पर गौर कर रही थी, जबकि साहिर शाह के अनामी लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। इसे यूं मुस्कुराते देख वो बाहर की जानिब भागी थी। इसकी स्पीड देख साहिर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अभी वो बाहर निकली ही थी कि सना इससे टकराई। इसकी सुर्ख खून छलकती सूरत देख वो परेशान हुई। क्या हुआ जावी, तुम ठीक तो हो ना? क्या साहिर अदा ने बहुत ज़्यादा डांट दिया मेरी जान? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी, मुझे नहीं पता था वो ज़्यादा डांट देंगे। सना बहुत उदासी से कह रही थी, जबकि इस साहिर साई की हरकत तो वो इसे बताने से रही। अच्छा, आई एम सॉरी, वो इसका चेहरा देखते परेशानी से बोली। वो इसके सामने शर्मिंदा हो रही थी और जाविश को कोई जवाब ही समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं अधीर, जो हुआ सो हुआ, मैं रूम में जा रही हूँ। इसे यूं ही परेशान छोड़ वो सीढ़ियों की जानिब चली गई। इस वक्त इसे कोई प्यास नहीं लग रही थी और ना ही कोई मिर्च इसकी ज़ुबान पर थी। इसे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसने वो हरकत की कैसे और क्यों। पानी ही तो था, आब हयात तो ना था, लेकिन इस वक्त तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम था। लेकिन अब वो पछता रही थी। इसे सीढ़ियों तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते देख सना किचन के अंदर आ गई, जहाँ से साहिर बाहर निकलने लगा था। अदासाई में मजाक कर रही थी, आपने तो इसे बहुत ज़्यादा डांट दिया। बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान थी, सना काफ़ी उदासी से कहने लगी, जबकि साहिर बिना कोई भी रिस्पॉन्स दिए इसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया। जबकि सना अब साविश को मनाने के लिए इसके ऊपर कुछ बना रही थी। क्या तुम्हारी बात हुई है नूर से? समरा आज बेन आने वाला है, तुम जानती हो ना वो क्या सवाल करेगा। माइक परेशान सा इसके पास आया था। आज शाम बेन ने इनके घर आने के लिए कहा था, जिसकी वजह वो दोनों अच्छे तरीके से जानते थे। इसका कहना था कि वो आज नूर से फ़ोन पर हर हाल में बात करेगा और समरा कैसे भी इससे बात करवाएगी। हाँ माइक, वो तो ठीक है, मैं जानती हूँ, मगर मैं इसे नूर से बात कैसे करवाऊँगी? तुम तो जानते हो नूर के पास इसका अपना फ़ोन नहीं है और इसका वो शोहर दारम शाह किस तरह अकड़ कर बात करता है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसने मुझे बहुत बुरी तरह इंसल्ट किया है, इतनी बेइज्जती करवा कर तो मैं कम अज़ कम दोबारा फ़ोन नहीं कर सकती। समरा ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता समरा, वो लड़की तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से निकली है और अब तुम ही इसे वापस लाओगी। याद रखना, मुझे हर हाल में नूर वापस चाहिए और आज से बेन को तुम ही संभालोगी, याद रखना। वो गुस्से से इसे देखते हुए बोला, मैं कैसे माइक, मैं क्या कहूँगी इसे, वो मेरी बात क्यों समझेगा? तुम जानते हो ना वो तुम दोनों के बीच में मेरा बोलना भी पसंद नहीं करता और तुम ये सब कुछ मैं नहीं जानता सैम।
मुझे बस ये पता है कि तुम्हारी बेटी की वजह से कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहले ही तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से बैन का यकीन खो चुका हूँ, और मुझे ये सब भी यकीन है कि तुम्हारी बेटी वहाँ से कभी आएगी ही नहीं, और अगर आ भी गई तो खाली हाथ आएगी। इसीलिए अब ये सब तुम पर छोड़ता हूँ कि ये सब तुम किस तरह से हैंडल करोगी। मुझे बेन की तरफ से कोई शिकायत ना मिले। वो इसे देखता काफ़ी सख्त लहजे में बोला, जबकि समरा परेशान हो चुकी थी। इसे अब बेन को कैसे भी हैंडल करना था, जो हर बात पर नूर नूर की गर्दान करता था। दारमसाई, मुझे अम्मा साई से बात करनी है, फ़ोन दे ज़रा। लॉक कॉल के वो फ्रेश होकर आई तो दारम से कहने लगी, और खुद आईने के सामने जाकर अपने बाल ड्राई करने लगी। दारम साई एक नज़र इससे देख इसकी तरफ देखता इसके पास आ रुका। इसकी शफाफ गर्दन पर पानी शबनम के कतरों की तरह चमक रहा था, जो दारम साई को बेलगाम करने के लिए काफ़ी था। इसकी सराहेदार गर्दन पर लब रखते हुए वो इसे अपने हिसार में कैद करने लगा। इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करते इसे अपने मजबूत शिकंजे में कैद कर चुका था, और इसकी गर्दन पर मौजूद नन्हे पानी के कतरों को अपने लबों से चुनने लगा। वो आंखें बंद किए बस इसके होंठों के लम्स को महसूस कर रही थी। क्या बात है अम्मा साई से, क्या बात करनी है अम्मा साई से? इसे अपने बाजू में उठाता वो बेड पर ले आया था। इसे बेड पर लेटा कर इसके ऊपर झुकते हुए वो इससे सवाल करने लगा। कुछ खास नहीं, बस यही पूछूंगी कि मॉम का फ़ोन आया या इनसे कोई रब्ता हुआ या नहीं। वो क्या है ना, मैं जब से यहाँ आई हूँ मॉम से एक बार भी बात नहीं हुई, अब तो एक महीना होने को आया है। इसीलिए सोचा था कि वो परेशान होंगी, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मैं अम्मा साई से इस बारे में बात करना चाहती हूँ, वो इसे तफसील से बता दें। बताती इसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर गई। 2 दिन में हम वापस जाने वाले हैं, जो भी बात करनी हुई कर लेना। वो और वैसे भी तुम्हें नया फ़ोन ला दूंगा तो तुम अपनी माँ से बात कर सकोगी, लेकिन तब तक मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आखिरी दिन, हनीमून के 2 दिन बहुत रोमांटिक बनाना चाहता हूँ, जिसमें तुम जितना हो सके तावन कर सकती हो। इसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ता वो इससे कहने लगा, तो दर ने हैरानगी से इसे देखा। मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? इसके बाजुओं में पड़ी वो इसकी बेबाक जसारतों से बेहाल होती इससे सवाल करने लगी, जिस पर दारम साई मुस्कुराया। खामोश होकर मेरा साथ देकर मुझे डिस्टर्ब किए बिना तुम मेरी मदद कर सकती हो। बस चुपचाप यूं ही मेरे पास रहो, मेरे बाजुओं में सिमटी रहो, और यूं ही तुम मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तुम्हारी तरफ से इतनी मदद मेरे लिए बहुत है। वो इसके लबों पर झुकते हुए इसे तफसील से बताता इसके होंठों को कैद कर चुका था, जबकि वो इसकी बेबाक जसारतें सहने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। इसकी मजीद के पेशकदमी पर वो इसके गिर्द हिसार मजबूत कर गई। सिनान साई, ये आपकी मेडिसिन। वो कुछ देर पहले ही वापस आए थे, 3 दिन बाद इनकी वापसी थी, लेकिन कुछ दिन से जरनीश इसे ज़बरदस्ती मेडिसिन दे रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है जरजान, तुम अपने लबों का जाम पिला दो, तुम्हारा शोहर हर मर्ज से लड़ लेगा। इसका हाथ खींचकर इसे अपने साथ बेड पर गिराता वो इसके ऊपर अपनी भारी टांग रखता इसका रास्ता ब्लॉक कर चुका था। इससे पहले कि वो उठ पाती वो इसके दोनों अतराफ अपने हाथ रख कर इसकी राय फरार बंद कर गया। उफ़, हद है सनान साई, मैं यहाँ आपको मेडिसिन देने की बात कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है। पहले अपनी मेडिसिन लें, बाकी बातें बाद में। वो हाथ में पकड़ी 3 गोलियाँ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, जबकि सनान साई इसके दोनों बाजुओं को पकड़ते बेड के साथ जोड़ चुका था और इसके ऊपर साया सा बनाता वो इसके चेहरे पर झुका। बोला ना, आज तुम्हारे लबों का जाम पीऊँगा, मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं। इसके दोनों बाजुओं को कैद करता
वह बेसाख्ता इसकी लबों पर झुका था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों को कैद करने लगा। इसके हाथ में मौजूद मेडिसिन वही बेड पर गिर चुकी थी जबकि वो इसे अपने मजबूत हिसार में जकड़ चुका था। जिस दिन से ताया साइन ने इसे सिनान को मेडिसिन देने के लिए कहा था वो कभी भूली नहीं थी और ना ही इसने लापरवाही से काम लिया था। इसे अपना शोहर बेहद अजीज था, वो इसके मामले में लापरवाह नहीं थी और यही चीज़ तो सिनान को इसकी तरफ रागब करती थी। और सिनान शाह अपना सब कुछ इसके सामने हार जाता था जैसे अब हार गया था। अपनी तलब पूरी करने के बाद जरनीश ने इसे फिर से दवाई की याद दिला दी जिस पर वह सिर्फ इसे घूर कर रह गया। बेन आओ ना अंदर, आओ तुम वहाँ क्या कर रहे हो? समरा इसे शीशे के दरवाजे से बाहर घर के अंदर दाखिल होते देख चुकी थी। वो तेज़ी से बाहर आई और बेन को वेलकम करने लगी। अंदर ही आ रहा हूँ सैम, ज़रा चेक कर रहा था घर बाहर से कैसा है क्योंकि अपनी मलकियत को देख लेना चाहिए। वो मुस्कुरा कर अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी मलकियत और ये घर? इसे हैरत का झटका लगा। हाँ बिल्कुल, क्या तुम नहीं जानती इस बारे में? इट्स ओके, मैं हूँ न, चलो अंदर चलकर मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। वो इसे अंदर की जानिब आने का कहता खुद अंदर दाखिल हो चुका था। क्या माइक ने ये तुम्हारे नाम कर दिया है? वो काफ़ी परेशानी से इसके पीछे आते सवाल करने लगी। तुम्हें ये किस बेवकूफ़ ने कहा कि ये घर पहले कभी माइक के नाम था? ये घर हमेशा से मेरा है और ये हमेशा मेरे ही नाम है। ये घर काफ़ी साल पहले मेरे फादर ने माइक को रहने के लिए दिया था क्योंकि इसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और तुम भी तो इसके साथ रहती थी, तो मेरे फादर को इसकी गर्लफ्रेंड पर तरस आ गया, इसीलिए उन्होंने भीख में ये घर तुम दोनों को दे दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम एक इस घर का मालिक हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर का मालिक बना हुआ है वो इस घर का मालिक बना हुआ है। मुझे खुशी हुई तुम्हारी गलत फहमी को दूर करके। अब मुझे बताओ कि नूर से बात कैसे करवाओगी? मैं आज नूर से बात करके ही जाऊंगा, वरना हरगिज़ नहीं, इसीलिए जल्दी से जल्दी मुझे नूर से बात करवाओ। वो इसे देखते हुए सामने रखे सोफे पर जा बैठा। बेन अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी इससे बात करवा देती, लेकिन इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका जालिम शोहर इस वक्त घर पर ही मौजूद होगा। वो पहले ही मेरी बेटी पर दिन रात सितम करता है। तुम क्या चाहते हो कि वो मज़ीद इसके जुल्म और सितम का निशाना बने? मेरी बेटी वहाँ बहुत मुश्किल में है, दिन रात इस पर जुल्म हो रहे हैं और मैं यहाँ बेबसी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती। तुम्हारी फ़ोन कॉल उसके लिए मसला बन सकता है और अब तो नूर के पास इसका फ़ोन भी नहीं है। दारम शाह ने इससे इसका फ़ोन तक छीन लिया है। मुझे इस तरह से मत देखो, मैं सच कह रही हूँ, दारम शाह ने इससे इसका फ़ोन छीन लिया है, लेकिन वो फिर भी कह रही थी कि वो तुमसे बात करना चाहती है कैसे भी तरह, आज नहीं तो कल वो किसी भी तरह मुझसे रابطہ ज़रूर करेगी और फिर मैं इससे पूछ लूँगी कि कब और कैसे तुम्हारी इसके साथ बात हो सकती है। वो इसे देखते हुए अपने झूठे आंसू साफ़ करने लगी जो सिर्फ इसके सामने बहा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता समरा कि तुम इस शख्स पर केस क्यों नहीं कराती, ये लीगल नहीं है, कोई भी अपनी बीवी को इस तरह से मार नहीं सकता। वो आदमी नूर को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है तो तुम कैसे यहाँ आराम से बैठी हो? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही इस आदमी के ख़िलाफ़, वो चिल्लाते हुए इससे पूछने लगा। क्योंकि मैं नहीं ले सकती बैन, मैं कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान के कानून हमारे कानून से अलग हैं, वहाँ ये सब कुछ आम सी बात है और वो लोग अपने घर की लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते कि मैं कोई एक्शन ले सकूं। वो इन्हें
इतना ज़्यादा डरा धमका कर रखते हैं कि वो खुद भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। इसने मज़ीद आंसू बहाते हुए इसे बताया। इसका चिल्लाना इस बात की गवाही था कि वो इसकी बात पर मुकम्मल यकीन कर चुका है। तो मैं चला जाता हूँ वहाँ, मैं नूर को बचा लूँगा और मैं सब कुछ हैंडल भी कर लूँगा, मैं नूर को वापस ले आऊँगा, इसने फैसला करते हुए कहा। तो समरा ने ना में गर्दन हिलाई। ऐसा भी मुमकिन नहीं है बहन, तुम जब वहाँ जाओगे तो इसका पहला सवाल होगा कि तुम्हारा नूर से क्या रिश्ता है, और अगर तुमने ये कह दिया कि तुम नूर के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारी जान से तुम्हें जान से मारने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, इसीलिए तो मैंने भी नूर को ये 6 महीने की शादी करने के लिए इजाज़त दे दी। वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, मेरी बेटी बहुत मजबूर थी। अगर वो शादी ना करती तो वो लोग इसे जान से मार डालते और मैं अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी और नूर की प्रॉब्लम को समझोगे। नूर तुमसे प्यार करती है, वह वापस तुम्हारे पास ही आएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, वो बहुत मजबूर है। समरा अपने सामने आंसू बहाती हुई बोली। तो बेन ने हाँ में सर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो इसे हैंडल करने में कामयाब हो चुकी है। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? कैसे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये बहुत गलत किया मैंने, ये अलाउ नहीं है शादी से पहले। अब क्या होगा, मैं क्या इतनी मरी जा रही थी पानी के पीछे? पानी ना मिलता तो क्या मर जाती? वो गुस्से से खुद को डांटने लगी। हाँ, इस वक्त सच में हालत ऐसी ही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि किस ही कर दूँ। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? या अल्लाह, अब क्या होगा, मैं इनके सामने कैसे जाऊँगी? नहीं, मैं इनके सामने जाऊँगी ही नहीं, लेकिन रात का खाना वो तो मेरे हाथ से ही खाएंगे। नहीं, आज तो अम्मा साई इनके लिए खाना बना रही हैं, लेकिन इनको देने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ तो दे आऊँगी, इसमें क्या है? उन्होंने भी तो मुझे किस किया था ना, तो भी तो मेरे सामने आए थे। इनको तो नहीं आई शर्म, तो मुझे क्यों आती है? वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो लड़की नहीं है जाविश बीबी, और शर्म लड़कियों को आती है, लड़कों को नहीं। लड़के तो होते ही बेशर्म हैं, इसने सोचा। लेकिन फिर भी अब तुम फंस गई ना, अगर इन्होंने मुझसे रात इस बारे में कोई सवाल कर लिया तो? हाँ, इनका क्या भरोसा, यहीं पर पूछ लेंगे तुमने किस क्यों की। तो क्या, उन्होंने खुद ही तो बोला था कि किस करने के लिए, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी ना किया है। लेकिन मैंने क्या किया ही क्यों? वो दाएं से बाएं चक्कर काटती, खुद से सवाल जवाब करती, खुद ही जवाब दे रही थी। लेकिन इस वक्त इसकी प्रॉब्लम सिवाय इसके और कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि साहिर साई को किस इसने किया था। या अल्लाह, मेरे मसले का कोई हल निकालें, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वो बेड पर बैठते हुए साई टेबल से जग उठाती पानी का गिलास भरने लगी। जब गिलास को ही घूरने लगी, जिसे गिलास नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जैसे गिलास से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी तलब ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है कि मुझे उस गुस्सेले निशाई को किस करना पड़ा। सब तुम्हारी गलती है, वो गिलास को घूरते हुए बोल रही थी और बिना पानी पिए गिलास वापस रख दिया। अब क्या होगा, वो मुझे कुछ कहेंगे? मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया था? मेरा दिमाग ख़राब था क्या? मैंने ऐसी हरकत क्यों? वो सोचते सोचते शीशे के सामने जा रुकी। ओफ अल्लाह जी, मुझसे तो खुद से भी नज़रें नहीं मिलाई जा रही इस गुस्सेले निशाई से, क्या कहूँगी? वो अपने चेहरे पे हाथ रखती सोफे पर जाकर बैठी और एक बार फिर से सोचने लगी।
सो गाइस ये रही आज की एपिसोड नंबर 54। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा अब तक और कोई अकाउंट नहीं है, टिकटॉक पर अकाउंट है जो ऑफिशियल नहीं है। सो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।